तो WWE के आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में एक बार फिर से होने वाला है ब्रदर वर्सेस ब्रदर, एक बार फिर से होने वाला है रोमन रेंज वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। रीसेंट स्मैकडाउन में हम दोनों ने इन दोनों का छोटा सा ट्रेलर देख लिया भैया, क्या कुछ होने वाला है इनके पूरे फ्यूड के अंदर। लेकिन जो इनका रॉयल रंबल के अंदर मैच होने वाला है उसकी होने वाली सरप्राइज वाली एंडिंग, उसकी कैसी एंडिंग होगी जो कि फैंस ने बिल्कुल भी सोची नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब ये कि रोमन रेंज अपनी यूनिवर्सल टाइटल हारेंगे? तो जो पूरे स्पॉयलर्स आए सामने इस मैच के एंडिंग को लेकर उसके बारे में बात होगी वीडियो के अंदर। साथ ही में रॉयल रंबल का जो मेन इवेंट होने वाला है रिसेंटली वो भी हो चुका है कंफर्म। साथ ही में लीटर का क्या फ्यूचर होने वाला है जब रिसेंट स्मैकडाउन के शो में उन्होंने अटैक किया शार्लट फ्लेयर के ऊपर और AEW ने भी लीटर को उनकी कंपनी के अंदर आने के लिए अप्रोच किया था, तो दोनों अपडेट्स के बारे में डिस्कशन होगी। एक बहुत ही बड़ा रेसलमेनिया का चैंपियनशिप मैच WWE ने कैंसिल कर डाला है और WWE ने चेंज भी कर डाला है अपना एलिमिनेशन चेंबर पे-पर-व्यू का नेम जो कि इस साल सऊदी अरेबिया में होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पहले हम लोग शुरू कर सकते हैं WWE के शोज यानी कि रेसलमेनिया 38 के साथ में। इस साल भी जो रेसलमेनिया है वो 2 नाइट इवेंट होने वाला है। इस साल रेसलमेनिया होगा 2 नाइट्स 2 पैंडियस मेन इवेंट। लेकिन बात करते हैं रेसलमेनिया की बहुत ही बड़े चैंपियनशिप मैच के कैंसिल होने के बारे में। तो रिसेंटली जो अपडेट है वो आती है फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से सामने और वो ये बात रिपोर्ट करते हैं कि WWE ने साशा बैंक्स वर्सेस शार्लट फ्लेयर का जो मैच है वो पहले प्लान किया था रेसलमेनिया के लिए जो कि ओरिजिनल प्लान थे इन दोनों के मैच के लिए। ये मैच मेन इवेंट करता रेसलमेनिया 38 की नाइट वन को, यानी कि इसके मुताबिक जो साशा बैंक्स है वो मे बी जीतने वाली थी वुमेंस का रॉयल रंबल मैच, फिर वो जाके चैलेंज करती हमारी साशा बैंक्स को और फिर दोनों का मैच होता नाइट वन के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से साशा बैंक्स को रिसेंटली सफर करना पड़ा इंजरी का एक लाइव इवेंट के अंदर, उसके बाद से WWE ने सभी के सभी प्लान्स माना जा रहा कैंसिल कर दिए और अब शायद कुछ डिफरेंट प्लान्स होने वाले हैं रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो साशा बैंक्स है वो रॉयल रंबल को मिस करने वाली है। अब वो रॉयल रंबल किसी भी हालत में जीतने वाली नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है रेसलमेनिया को लेकर साशा बैंक्स के प्लान्स। लेकिन ये वो ओरिजिनल प्लान्स थे कि आपके हिसाब से ये मैच मेन इवेंट होना चाहिए था रेसलमेनिया 38 की नाइट वन पे। अपना ओपिनियन आप भी शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो WWE हॉल ऑफ फेमर लीटा के बारे में जुड़ी है, जिन्होंने रिसेंटली अपनी स्मैकडाउन के एपिसोड में एक लंबे टाइम बाद रिटर्न की। आई नो काफी लोग खुश होंगे लीटा के रिटर्न के बाद, लेकिन सबसे ज्यादा जो खुश इंसान है वो डेफिनेटली हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एज होंगे। अब वो क्यों होंगे वो ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब चलो बात करते हैं उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, क्योंकि लीटा ने किस तरीके से बातों को टीज किया स्मैकडाउन में। उनका एक और रन लेफ्ट है WWE के अंदर, तो रिसेंटली इसको लेकर कुछ स्पेकुलेशन आई है सामने और बताया जा रहा है जो लीटा है पॉसिबली WWE उन्हें रेसलमेनिया के लिए भी बुक कर सकती है, यानी कि रॉयल रंबल के अंदर उनकी एक वन टाइम अपीयरेंस नहीं होगी जैसा लीटा ने कहा है। मे बी वो WWE के अंदर एक थोड़े टाइम तक हमें रुकती हुई नजर आएंगी और एक उनका आखिरी रन हमें WWE के अंदर दिखाई देगा। इसे वैसे ही होने वाला जैसे कर्ट एंगल का था। कर्ट एंगल WWE के अंदर वापस है एज ए इन रिंग परफॉर्मर और रेसलमेनिया के अंदर उन्होंने अपना रिटायरमेंट मैच रेसल किया। वैसे कुछ लीटा के साथ होने वाला, लीटा एक बार फिर से कम बैक करेंगी एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए और अपना करियर अपने टर्म्स पे एंड करने के बाद फाइनली जो लीटा हमें WWE से रिटायर होती हुई नजर आएंगी एकदम ऑफिशियल वाले वे में। तो पॉसिबली आप ये समझ सकते हो कि शायद हमें साल 2022 के अंदर लीटा के काफी सारे लेकिन मैचेस देखने के लिए मिलेंगे और जो रॉयल रंबल की अपीयरेंस है वो उनकी वन टाइम अपीयरेंस नहीं होगी। अब बात करते हैं उनके AEW को लेकर कुछ बड़ी न्यूज के बारे में। तो रिसेंट टाइम में ये अपडेट आती है सामने और बताया जा रहा है साल 2019 के अंदर AEW ने भी अप्रोच किया था लीटा को। बताया जा रहा है कि AEW वाले गए थे लीटा के पास में कि भैया हमारे जो ब्रिट बेकर हैं उनके साथ में आपको फ्यूड करना है, आपको इतने फलाना फलाना पैसे देंगे। और जो AEW का रेवोल्यूशन वाला पेपर व्यू था ना साल 2021 का, रेवोल्यूशन है जो AEW का ऑल आउट वाला पेपर व्यू था। एक तो ऑल आउट मच्छर वाली मुझे याद आ जाती है। जो AEW का ऑल आउट वाला पेपर व्यू था साल 2021 का, वहां पर WWE लीटा वर्सेस ब्रिट बेकर का मैच करवाना चाह रही थी, लेकिन आखिर में जो नेगोशिएशन हुआ लीटा और AEW के बीच में और अल्टीमेटली ये जो एग्रीमेंट है ये जो डील है वो नहीं हो पाई और यही वो रीजन है क्यों लीटा हमें AEW के अंदर शो अप होती भी नहीं नजर आई। वरना AEW का तो भैया फुल ट्राई था लीटा किसी तरीके से कंपनी के अंदर आ जाए और कंपनी को वुमेंस डिवीजन के अंदर और भी ज्यादा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आए। तो भाई इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जब AEW ने बुलाने का ट्राई किया लेकिन लीटा किसी भी हालत में नहीं गई। ऑफकोर्स अगर वहां पर है जो थे वो चली जाती, लेकिन वैसे जाने का कोई चांस बनता नहीं। और प्लीज लीटा के फैंस भड़क मत जाना, आई एम जस्ट जोकिंग। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो WWE के एलिमिनेशन चेंबर 2022 के शो के बारे में जुड़ी है। अब जो लोग चैनल पर एक्टिव रहते हैं उन्हें बात पता होगी कि भैया WWE इस साल का जो एलिमिनेशन चेंबर शो है वो करवाने के बारे में सोच रही है सऊदी अरेबिया के अंदर और WWE ने इसकी प्लानिंग ऑलरेडी कर दी है। जिन लोगों को नहीं पता 19 फरवरी अभी फिलहाल वो एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है जहां पर WWE अपना एलिमिनेशन चेंबर शो करवाएगी। लेकिन रिसेंट हमें इसको लेकर डेव मेल्स हमें कुछ बड़ी रिपोर्ट्स देते हुए नजर आते हैं और डेव मेल्स बताते हैं WWE का इस साल का जो एलिमिनेशन चेंबर का पेपर व्यू होने वाला है इसका नेम WWE चेंज कर सकती है और पॉसिबली ये बन सकता है रेसलमेनिया
या चेंबर, एकदम सही सुन रहे हो। वैसे एलिमिनेशन चेंबर होता था लेकिन WWE इसका नाम चेंज कर देगी और हो सकता है रेसलमेनिया चेंबर। अभी तक ये बात है बैक स्टेज के ऊपर पूरी तरीके से ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ जो WWE जब इस चीज को अनाउंस करेगी तो शायद वो रेसलमेनिया चेंबर नाम से करेगी और जो पेपर व्यू नेम है वो चेंज होने वाला है। हमने देखा था इसके बाद जो बैकलैश का शो है WWE ने उसे रेसलमेनिया बैकलैश बना दिया था। अब जो एलिमिनेशन चेंबर है WWE से रेसलमेनिया चेंबर बना रेसलमेनिया चेंबर बना देगी। तो आपके हिसाब से पेपर व्यूज के जो नामकरण WWE बार बार कर रही है ये सही भी हो सकते हैं या फिर नहीं, या फिर WWE जस्ट अपना थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग चला रही है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो WWE के आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट यानी कि रॉयल रंबल 2022 के बारे में जुड़ी है। और पहले बात करते हैं कौन सा मैच मेन इवेंट होने वाला है रॉयल रंबल को, ये बड़ा क्वेश्चन है। आखिर जब शो के ऊपर आपको 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच मिले जिसमें पॉसिबली फॉरबिडन डोर ओपन हो सकता है, आपको उसी शो के ऊपर ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली यानी कि लैशली वर्सेस लेसनर का ड्रीम मैच मिले जो कि एक लंबे टाइम बाद था, ऊपर से WWE टाइटल इंक्लूड हो, साथ ही में सेम शो के ऊपर आपको रोमन रेंज वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलेंस मिले वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और जब इस फ्यूड की डिमांड जनता बहुत लंबे टाइम से कर रही थी। तो एक बड़ा सवाल यही होता है कौन सा मैच मेन इवेंट करने वाला है। तो होता है कि रिसेंट स्मैकडाउन के शो में WWE खुद ही बात ऑफिशियली अनाउंस करती है, जिन लोगों ने जो सेगमेंट है सही से सुना होगा या फिर मेरी वीडियो देखी होगी स्मैकडाउन वाली, तो वहां पर रोमन रेंज ये बात कंफर्म करते हैं। अगर मुझे मौका मिलता कि मुझे किसके साथ मेन इवेंट करना है रॉयल रंबल में, मैं सेथ रॉलेंस की जगह उसकी वाइफ यानी कि बेकी लिंच को चुनता। इसका सीधा मतलब ये है कि ना लैशली वर्सेस लेसनर ना 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच बल्कि रोमन वर्सेस सेथ का जो मैच है वो मेन इवेंट होने वाला है। और एक बार फिर से WWE करने वाली है यूनिवर्सल टाइटल मैच को मेन इवेंट। और आज की जो हमारी फाइनल न्यूज है वो भी इसी के बारे में जुड़ी है, रोमन वर्सेस सेथ के मैच की शॉकिंग एंडिंग के बारे में। तो बताया जा रहा है जिस तरीके से WWE ने रिसेंट टाइम में कंफर्म किया ना कि भैया ये जो मैच है मेन इवेंट होने वाला है, तो थोड़ी सोचने वाली बात है जब WWE लैशली वर्सेस लेसनर एक ऐसा फ्यूड जो कि लंबे टाइम से होने वाला था, ऊपर से WWE टाइटल इंक्लूड, ऊपर से जब लेसनर को इतना अच्छा रिएक्शन मिल रहा है उस मैच को मेन इवेंट नहीं करवा रही है। 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच जिसमें फॉरबिडन डोर सरप्राइज एंट्रीज होती हैं और जिसे WWE हमेशा मेन इवेंट करवाती करवाती है। अगर मैं रिसेंट टाइम की हिस्ट्री चेक कर लूं वहां पर रॉयल रंबल शो का जो मैच का मेन इवेंट है वो 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच ही होता है। नो मैटर शो पर कितने भी बड़े मैचेस हो जाएं, यूनिवर्सल टाइटल मैच हो WWE टाइटल मैच हो, WWE को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आखिर भाई 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच बना है इसलिए या फिर जो रॉयल रंबल पेपर व्यू बना है इसलिए क्योंकि गिमिक वाला है पेपर व्यू है और यहां पर 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच ही मेन हाईलाइट होती है। लेकिन WWE इस साल चीजों को डिफरेंट करना चाह रही है, वो यूनिवर्सल टाइटल मैच को मेन इवेंट करवाना चाह रही है। और बताया जा रहा है जब WWE इस मैच को मेन इवेंट करवा रही है इसका सीधा मतलब ये है कि डेफिनेटली एक सरप्राइज एंडिंग, एक शॉक वाली एंडिंग WWE ने इस मैच की एंडिंग के अंदर प्लान करके रखी है जो कि शायद फैंस ने नहीं सोची होगी। और पॉसिबली दिस इंक्लूड सेथ रॉलिंस विनिंग द यूनिवर्सल टाइटल, एकदम सही सुन रहे। फिलहाल स्पेकुलेशन आई सामने और पहले रिपोर्ट्स भी आए थे कि मे बी सेथ रॉलिंस बढ़ सकते हैं उस यूनिवर्सल टाइटल की तरफ रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन ये बातें कंफर्म नहीं है। लेकिन भाई जब WWE मेन इवेंट करवा रही है इस मैच को तो इसकी स्पेकुलेशन के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं कि डेफिनेटली कैसी एंडिंग होने वाली जो कि चौंका देगी। ये एक नॉर्मल रोमन रेंज मैच नहीं होगा, ये एक रोमन रेंज की नॉर्मल टाइटल डिफेंस नहीं होगा, बल्कि इस बार उनके सामने सेथ रॉलिंस होने वाले हैं। इस बार चीजें डिफरेंट होंगी, इस बार रोमन रेंज का मैच जैसे ये नहीं होगा, रोमन आएंगे स्मैश करेंगे अपोनेंट को और अपनी टाइटल लेके वापस चले जाएंगे। इस बार चीजों का मतलब डिफरेंट होने वाला है, इसलिए मैच रॉयल रंबल को करने वाला है मेन इवेंट। तो भाई इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, जैसे स्पेकुलेशन के हिसाब से एक सरप्राइज एंडिंग होने वाली है, क्या आपके हिसाब से सेथ रॉलिंस हराने वाले हैं रोमन रेंज को, क्या आपके हिसाब से WWE ने इस मैच के अंदर कोई ट्विस्ट प्लान किया, अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक। आपके हिसाब से रोमन वर्सेस सेथ का जो मैच हो मेन इवेंट होना डिजर्व करता है या फिर लैशली वर्सेस लेसनर या फिर 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच मेन इवेंट होना चाहिए था। बाय द वे जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।